नमस्कार, एबीपी गंगा के बेब बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह गौर। आपको बताऊंगा सीतापुर की तीन प्रमुख खबरों का हाल। तो शुरुआत करते हैं सीतापुर की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें, परसदी विद्यालयों का हाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक विद्यालय का जब निरीक्षण डाइट के प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार ने किया, तो वहां पर दो सालों में सिर्फ 25 दिन ही सहायक अध्यापिका पहुंची। आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने बीएसए को एक लेटर लिखा है कार्रवाई करने के लिए। रूपम देवी नाम की सहायक अध्यापिका हैं, उनका विद्यालय बेहटा ब्लॉक के सुंदरपुरवा का है, जहां पर वो दो सालों में सिर्फ 25 दिन ही स्कूल में पहुंची। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परसदी विद्यालयों का क्या हाल रहा हो। अब हम आपको दूसरी खबर से भी रूबरू कराते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सीतापुर का जिला महिला अस्पताल, जहां पर रेडियोलॉजिस्ट न होने के चलते सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसे में बहुत सारी जो महिला मरीज हैं, उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। करे तो करे क्या, उनके समझ में नहीं आ रहा है, और जाए तो जाए कहां। तो ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। तीसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सीतापुर का प्रसिद्ध नैमिषारण, प्रदेश सरकार द्वारा नैमिष धाम जो है विकास प्राधिकरण का गठन कर दिए जाने के बाद, पहली बार वहां पर अब की 84 कोसी परिक्रमा जो 21 फरवरी से होनी है, उसमें देश और नेपाल से खासकर बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी और साधु संत आते हैं। उसकी तैयारियों को लेकर इस बार प्रशासन के सामने खासा चुनौती है, क्योंकि पूर्व में तमाम अव्यवस्थाएं और तमाम समस्याएं रही हैं। इस बार कसौटी पर ये रहेगा नैमिषारण का 84 कोसी मेला, जिसमें इंतजाम करना प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।